खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जनपद कानपुर देहात के थाना सिकंदरा क्षेत्र के कस्बा सिकंदरा के मालवीय नगर में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में रियापाल और अबरार के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। रियापाल ने आरोप लगाया है कि अबरार ने उसके साथ छेड़खानी की है। वहीं दूसरी ओर अबरार का कहना है कि रियापाल हमारे विरुद्ध फर्जी शिकायती पत्र देकर हमें प्रताड़ित कर रही है। कल आके मुझे और उल्टा सीधा धमका के और उल्टा सीधा बोल के ऐसे साथ चले गए। अच्छा, कौन आया था? पहले दरोगा जी आए थे, फिर एसओ साहब आए थे। अच्छा, क्या कहा फिर उन्होंने? कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे कि हम ये वो कह रहे थे कि हम तुम कुछ भी कर लो, ये ट्रैक्टर नहीं हटेगा, तुम्हारा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तुम कर क्या लोगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत गलत सलत बोल रहे थे मेरे से, बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे। उसकी वीडियो भी है मेरे पास में। और कह रहे थे कि हम, मैंने उनसे ये बोला कि आपने पैसा खाया, तो ये बोल रहे थे हाँ खाया है, क्या कर लोगे, खाया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। अभी तक अबरार को कोई दंड दिया गया है ना, अभी तक अबरार को बुलाया गया ना, कहा गया है ना कल्लू को ना अबरार को। तो क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे घर में आके मुझसे बदतमीजी करी, छेड़ाछाड़ी करी। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। क्या मामला था भैया जो है? अरे, एक लड़की है रिया पाल जी, पुत्री श्याम सिंह पाल, उसके यहाँ वो शराब का अवैध काम होता है। आज से 4 साल पहले उसके यहाँ छापा पड़ा था, पुलिस ने मारा था, तो पुलिस द्वारा उसके यहाँ शराब बरामद हुई थी। उसी का हम लोग थोड़ा विरोध करते हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर जो है अर्जी अप्लीकेशन थाने और अन्य जगह दे देकर मुझे मेरे परिवार को परेशान किया जाता है। शासन प्रशासन से मेरी गुहार है कि हमारी और हमारे परिवार की रक्षा की जाए। सिकंदरा कानपुर देहात से सुभाष कटियार की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।